हेलो गाइस, आई एम बैक विद अनदर वीडियो। और आज हम करने जा रहे हैं सिंगल हैंड पुशअप्स। देखिए, सिंगल हैंड पुशअप थोड़ी एडवांस हो जाती है, तो अगर आप मतलब बिगिनर हैं तो फिर भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप बेसिक पुशअप्स तो कर ही लेते होंगे जो हम करते हैं। उसके बाद अगर आपको लेवल अप करना है तो मैं उसके लिए आपको बेसिक प्रोसीजर बता रहा हूँ कि आप कैसे इसको स्टार्ट कर सकते हैं सिंगल हैंड पुशअप्स करने के लिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको स्टेप बाय स्टेप यही फॉलो करना है, आप और भी चीज़ें ट्राई कर सकते हैं, बट ये मेरे को सही लगा पर्सनली। तो हम इसको स्टार्ट करेंगे बेसिक पुशअप्स के साथ ही, लेकिन फ़र्क इतना रहेगा कि हम इसको थोड़ा होल्ड करके करेंगे। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ कि मैं होल्ड करके कैसे कह रहा हूँ। तो ये आपकी नॉर्मल पुशअप्स की पोजीशन रहती है, आपको इसी में करना है। जब आप नीचे आओगे तो आप होल्ड करोगे, देन अप, तो आपको होल्ड करके करना है ये। इसमें आप 10 सेकंड का होल्ड ले सकते हो या टाइम बढ़ा सकते हो, आपसे पुशअप्स कम लगेंगी, बट आपको स्टार्ट ऐसे करना है। तो इसके बाद हम इसमें इसको और हार्ड करने के लिए क्या करेंगे, वेट पुट ऑन करेंगे बैक पे। अगर आपके पास प्लेट्स वगैरह हैं तो आप वो यूज़ कर सकते हैं, अगर नहीं भी हैं तो आप बैकपैक ले सकते हो, उसके अंदर वेट भर सकते हो, चाहे बुक्स वगैरह हो या कुछ भी आप चीज़ उसमें डाल सकते हो। तो मेरे पास ये 10 किलो की प्लेट है, इसको मैं अपने बैक पे रखूँगा और उसके बाद पुशअप्स मारूँगा। तो इसके मैं रेप्स निकालूँगा जितने मुझसे लगेंगे। तो मैंने आपको 10 किलो से करके दिखाया। अब आपको क्या करना है, ग्रेजुअली धीरे धीरे डे बाय डे जैसे आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी आपको इसमें वेट और बढ़ाते जाना है। वेट रखने के लिए आप किसी की हेल्प ले सकते हैं इसमें, क्योंकि खुद से अगर आप वेट बढ़ाओगे तो रखा नहीं जाएगा, तो किसी की हेल्प ज़रूर ले लें इसके लिए। तो मैंने अपनी पीठ पे 20 किलो की प्लेट रखवा ली है और अब मैं पुशअप्स करके दिखाऊंगा आपको। ये मैं आपको इसलिए करके दिखा रहा हूँ कि आपको भी ऐसे ही वेट बढ़ाना है स्टेप बाय स्टेप। जैसे आप 5 किलो के वेट रख के पुशअप्स करें, फिर धीरे धीरे करके 10 किलो, 15 किलो, 20 किलो ऐसे आप करोगे तो क्या होगा कि आपकी जो पुश करने की पावर है, ज़मीन से खुद को ऊपर करने की पावर है, वो बढ़ेगी। और उतना ही आपके लिए बाद में इजी रहेगा कि आप एक हाथ से अपने बॉडी वेट को पुश कर पाएँ। तो आपको इसमें पूरा ज़मीन को टच करते हुए नीचे आना है एंड पूरा ऊपर आना है आपको वापस। तो इस तरह से आपको इसमें वेट ऐड करना है अपनी बैक पे, जितना ज़्यादा कर पाओगे उतना आपके लिए बाद में इजी रहेगा कि आप सिंगल हैंड से खुद का वेट उठा पाओ। तो अब हम थर्ड स्टेप करने जा रहे हैं, जो कि फर्स्ट की तरह ही है, जो कि था होल्ड करना। जब आप नीचे जाओगे तो आपको होल्ड करना है 5 सेकंड या 10 सेकंड एज़ पर योर कैपेबिलिटी। तो आप होल्ड करेंगे और उसके सेट्स परफॉर्म करेंगे, होल्ड जितनी देर आप कर पाएँ, फॉर एग्ज़ाम्पल 10 सेकंड, एंड देन पुश, होल्ड देन पुश। तो इसके भी आप सेट्स लगाएंगे कुछ। तो अब हम करने जा रहे हैं अपना फोर्थ स्टेप, हमारी फोर्थ एक्सरसाइज होगी, उसको आपको सिंगल हैंड से ही करना है। अभी तक हम अपने दोनों हाथों को यूज़ कर रहे थे, बट अब सिंगल हैंड की बारी आ गई है। बट डायरेक्ट ज़मीन पे ना करके आप कोई ऊंचा सरफेस ले, ताकि आपके लिए इजी रहे, क्योंकि डायरेक्ट ज़मीन पे करोगे तो मुंह ही फूटेगा सीधा। तो आप इसके लिए अपना बेड यूज़ कर सकते हैं, और मैं फ़िलहाल वॉल पे करके दिखा रहा हूँ क्योंकि मैं छत पे इसको कर रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, अपना एक हाथ रखना है, दूसरा हाथ आपका पीछे आ जाएगा बैक साइड, ठीक है। उसके बाद एल्बो का ध्यान रखें, एल्बो ऐसे ना निकले, एल्बो भी आपकी बैक साइड जाएगी, मतलब जब ये नीचे आएगा तो ये पीछे की तरफ आएगी, ना कि ऐसे। तो कंधे का ध्यान रखें इसके लिए, शोल्डर लॉक पोजीशन में सेट एकदम, ये मैं आया नीचे, एंड देन पुश, आराम से आएंगे, झटके से कुछ नहीं करना, देन पुश। इसके जितने सेट लगे लगाएं, दोनों हाथों से करना है इसको, और इसी पर प्रैक्टिस करें पहले सिंगल हैंड। तो मैंने आपको ये दीवार पे करके दिखाया है, जो काफ़ी ऊंची भी है और सेफ़ भी है। तो पहले आपको ऐसी कोई बड़ा सरफेस लेना है जिसकी हाइट सही हो, क्योंकि आपको धीरे धीरे करके हाइट घटानी है जिस जो सरफेस आप यूज़ करोगे। तो समय आ गया है कि अब मैं आपको सिंगल हैंड पुशअप्स करके दिखाऊं। आप इसको डायरेक्ट अभी भी ट्राई मत करना, इसके लिए मैं एक तरीका बताता हूं। इससे आपको क्या होगा कि आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। तो उसमें आपको क्या करना है, नॉर्मल पुशअप्स लेके आप दूसरे हाथ को थोड़ा थोड़ा करके साइड लेते हुए जाएंगे, ताकि जो जोर आए वो पूरा एक ही हाथ पे आए। मैं आपको करके दिखाता हूँ, ये मेरी पोजीशन है नॉर्मल पुशअप्स की, जो कि हम ऐसे लगाते हैं। अब आपको क्या करना है, जैसे इस हाथ से आप करने जा रहे हैं तो इस हाथ को हल्का सा पीछे ले जाएंगे, मतलब साइड में ले जाएंगे ऐसे, और पोजीशन आपकी ऐसे नहीं रहेगी, इसी हाथ पर रहेगी जोर, जैसे आपका नॉर्मल था। अब आपको इसको ले जाना है, ये हाथ मैंने अभी भी टेका हुआ है दूसरा सहारे के लिए, ठीक है। तो इसको अब आप और हार्ड करने के लिए, कि इस पर ज़्यादा वेट आए मेरे राइट हैंड पर, आप इसको और साइड ले जाएंगे। अब ट्राई करेंगे, जितना आप इसको लेफ़्ट लेके जाएंगे उतना राइट हैंड पे ज़्यादा जोर आएगा और आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा कि आप अपना वेट उठा पाएंगे या नहीं। तो मैं इसको पूरा खिसका दिया मैंने, अब मेरा पूरा जोर राइट हैंड पे है।
तो ऐसे करके क्या हुआ कि मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ कि हाँ मैं कम जोर लगा रहा हूँ इस हाथ का और इस हाथ से ज़्यादा जोर यूज़ कर पा रहा हूँ। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ सिंगल हैंड से। सिंगल हैंड के लिए पोजिशन सेम रहेगी, टांग आप थोड़ी साइड में कर लेना क्योंकि बैलेंस ख़राब हो जाएगा उससे। ये हाथ पीछे, एल्बो आपकी बैक साइड आएगी, ऐसे नहीं आएगी, बॉडी स्ट्रेट जितनी हो सके। नीचे एंड ऊपर। अब मैं इसी को आपको साइड एंगल से दिखाता हूँ कि बॉडी की पोजीशन कैसे जा रही है। तो दोस्तों ये थी वो एक्सरसाइजेज जो मुझे पर्सनली अच्छी लगी। आप चाहे तो इनको ऐड कर सकते हैं अपने रूटीन में और अपनी ट्राइसेप्स और शोल्डर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए वर्कआउट अगर आप करेंगे तो आपको शायद ये और इजी रहेगा आपके लिए, क्योंकि मेजरली आप जो भी पुश मूवमेंट करते हैं तो उस पर आपका ट्राइसेप्स वाला पार्ट काफ़ी यूज़ होता है। बाकी कोई भी वर्कआउट स्टार्ट करने से पहले अच्छे से वार्म अप कर लें, और इसमें काफ़ी जोर आता है शोल्डर पे, तो शोल्डर का अच्छे से वार्म अप कर लें ताकि इंजरी ना हो। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, और हाँ बेल आइकन दबाना भी मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Peace.